కశ్మీర్ అంశంలో ట్రంప్ వ్యాఖ్యలపై లోక్సభలో రచ్చ కొనసాగుతోంది. ఇవాళ కూడా విపక్ష సభ్యులు సభలో ఆందోళనకు దిగారు. ప్రధాని మోడీ వివరణ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. బీజేపీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు కాంగ్రెస్ ఎంపీలు. కశ్మీర్ అంశంపై ఏమీ మాట్లాడకపోతే ప్రధాని ఎందుకు సైలెంట్ గా ఉంటున్నారని అధీర్ రంజన్ చౌదరి నిలదీశారు. ట్రంప్ అసత్యం చెప్పారని మోడీ ఎందుకు చెప్పడం లేదని ప్రశ్నించారు. కశ్మీర్ విషయంలో ప్రభుత్వం క్లారిటీగా ఉందన్నారు పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి. విదేశాంగ మంత్రి ప్రకటన చేసినా విపక్షాలు రాద్ధాంతం చేస్తున్నాయని ఆయన కౌంటర్ ఇచ్చారు. सर ये मुद्दा सबको जानकारी है. सीट पे माननीय सदस्य, एक मिनट, आपकी बात जब सुनी जाएगा. सीट पे बोल रहे हैं सर, सीट पे बोल रहे हैं. तमाशा सर, प्रधानमंत्री जी के साथ ट्रंप साहब का क्या बात हुई थी ये हम सबको जानकारी होना चाहिए. कल्याण बनर्जी मैं आपसे अपील करता हूं. कल भी आपने एक अमेरिका और एक हिंदुस्तान, दो लोकतंत्र की दो मुखिया, एक ट्रंप साहब और एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहब, इन्हीं लोगों का बीच ओसाका में क्या बात हुई इस विषय को लेकर सारे हिंदुस्तान में चर्चा हो रहे हैं. सर आज प्रधानमंत्री जी को रीति रिवाज के मुताबिक आज प्रधानमंत्री जी को ये सदन में उपस्थित रहना चाहिए था. इसीलिए हम आज एडजॉर्नमेंट मोशन लाया कि खासकर प्रधानमंत्री जी को हम उनका निगाह आकर्षण करें और उनसे ये बात सुने. सर एक बात सर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच 1971 में एक वार हुई थी. इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान को नस्तनाबूद करते हुए 93,000 पाकिस्तानी फौजों को हिरासत में ले लिया था. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा ये सरेंडर हुआ था सर. इसके बाद हुआ था शिमला एग्रीमेंट, और ये शिमला एग्रीमेंट हुआ था इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच. ये शिमला एग्रीमेंट के मुताबिक कश्मीर मुद्दा पे कोई तृतीय पक्ष की हस्तक्षेप नहीं होगा ये करार हुआ था. इसके लिए कश्मीर मुद्दा बायलैटरल है, इसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा. सर अभी यह हम देख रहे हैं कि अमेरिका की प्रेसिडेंट बात सुनना, बात खत्म करने दो. अमेरिका की प्रेसिडेंट ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मोदी जी ने हमें दरखास्त किया था कि कश्मीर मुद्दे पर हम हस्तक्षेप करें. सर ये सही हो सकता. सर ये गलत बात सुनिए, ये गलत भी हो सकता, ये सही भी हो सकता. लेकिन आज तक ना ट्रंप साहब ने इसको गलत कही, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र जी ने इसको गलत कही. इसलिए हमारे अंदर शंका पैदा हो रहे हैं. ना ट्रंप साहब इसको गलत कही, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको गलत कही. वो अपने लोगों को यहाँ भेज कर बयान दिया करते जो लोग. सर वी वांट टू लर्न द फैक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. हम घोड़े की मुंह से ये बात सुनना चाहते हैं. ये वाजिब है कि आज जिस व्यक्ति को लेकर ये तर्क है उनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी. तो ये वाजिब है कि हम उनसे मुंह से बयान सुनना चाहते हैं. वी वांट टू लर्न फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, तो इसमें क्या गलती है. लेकिन ये सत्ता पक्ष हमारी बात को नहीं सुनना चाहते हैं, और हम जो इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं उसको जबरदस्त दबाना चाहते हैं, ये हम मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ. प्रधानमंत्री जी आए और सदन में अपना बयान पेश करें, ये हमारा मांग है. मिस्टर स्पीकर, Mr. Speaker, the House, the Indian Parliament has witnessed very, very, very strange situation today. Just
between 11 and 12, opposition members of parliament, has again and again pleaded before the House to call the Prime Minister of India to come to Parliament, Indian Parliament. Very serious, very serious. Prime Minister of India, their request is to call, the request of the Prime Minister of India to come to the Indian Parliament, that too on his Parliament Day. Second thing, sir. माननीय रक्षा मंत्री जी के अलावा किसी का इंकित नहीं हो, माननीय सदस्य आप भी बात सुनकर जाएं, माननीय रक्षा मंत्री जी के अंकित नहीं हो। अध्यक्ष महोदय अभी कांग्रेस संसदीय दल के नेता ने यहां पर आश्वस्त किया था कि हमको इस मुद्दे को उठाने की इजाजत दी जाए। मैं जरूर सत्ता पक्ष की तरफ से जो भी जवाब देगा उसकी बात को हम सुनेंगे, लेकिन उन्होंने यहां पर वादा खिलाफी की है। जो कुछ भी वादे किए थे उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया है। लोकतंत्र चलता है तो विश्वसनीयता के आधार पर चलता है। सबसे बड़ा आधार लोकतंत्र का होता है परस्पर विश्वास। लेकिन मैं समझता हूं कि आज जो बात उन्होंने आपके समक्ष कही है कि नहीं मैं सुनूंगा, आज उन्होंने हमारी बात यहां नहीं सुनी है और इस वॉकआउट इस समय किया है, मैं समझता हूं। दूसरी चीज, जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी और साथ ही साथ अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप के बीच बातचीत का प्रश्न है, यह सच है कि जून के महीने में अमेरिका के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच बातचीत हुई थी। लेकिन हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद जी ने स्टेटमेंट देते समय यह पूरी तरह से अध्यक्ष महोदय स्पष्ट कर दिया, कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि इससे अथेंटिक स्टेटमेंट और किसी दूसरे का नहीं हो सकता। इसलिए मैं सर्वाधिक अथेंटिक स्टेटमेंट से जयशंकर प्रसाद जी का मानता हूं, क्योंकि जिस समय मोदी जी और मिस्टर ट्रंप के बीच बातचीत हो रही थी तो स्वयं हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद जी उसमें मौजूद थे। और मैं यह भी अध्यक्ष महोदय मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि कश्मीर के सवाल पर किसी की मध्यस्थता स्वीकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, क्योंकि हम इस सच्चाई को जानते हैं कि यदि यह निश्चित रूप से शिमला समझौते की मंशा के सर्वथा विपरीत होगा, इसलिए किसी की मध्यस्थता को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं। यह बात तो अपनी जगह पर है अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कश्मीर के सवाल पर हम इसलिए भी किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यह राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, हम सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं, हम सब चीज से समझौता कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान पर के साथ समझौता नहीं कर सकते। और अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पाकिस्तान के साथ यदि बात होगी केवल कश्मीर पर बात नहीं होगी, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पर भी बात होगी। यह भी मैं दोस्तों शब्दों में स्पष्ट करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइटम नंबर 2, श्री रविशंकर प्रसाद जी। माननीय सदस्य आप नोटिस दिया करें। सर, मैं अपने आज की सूची में मेरे सामने अंकित दस्तावेज को सदन के पटल पर प्रस्तावित करता हूं। आइटम नंबर 3, श्रीपद यशो नायक। सर, इट इज माय कंडीशन, आई राइट टू ले ऑन द टेबल ऑफ द हाउस ए कॉपी ऑफ ईच ऑफ द पेपर्स मेंशन अगेंस्ट माय नेम एट सीरियल नंबर 3 ऑफ टुडेज रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस। आइटम नंबर 4, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी।
अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में क्रम संख्या नंबर 4 के आगे मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 5, श्री अर्जुन मेघवाल जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, विथ योर काइंड परमिशन आई राइज टू ले द पेपर ऑन द टेबल ऑफ द हाउस।